चुंगी तक निकाला गया। वहीं आतंकवादी के पुतले को घसीटते हुए फिरोजाबाद के सुभाष तराय पर पुतला फूंका गया, जिसमें हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि अब किसी भारत का कोई भी व्यक्ति कायराना व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। फिरोजाबाद से सुभाष सिंह की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। मारे गए उसके विरोध में पाकिस्तान और आतंकवादियों का दो पुतले दहन किए गए हैं और समस्त संगठन के जो हम कार्यकर्ता बंधु हैं और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि इस तरह कब तक चलेगा कि हमारे सैनिक मारे जाएं, सैनिकों के सिर काटे जाएं और हमारे श्रद्धालुओं पर आतंकवादी हमले होते रहें और हम सब बस कड़ी निंदा करते रहें। निंदा से काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग अपने घर से पूरी तरह से संगठन में उतरे हैं तो परिवार छोड़ करके उतरे हैं। बहुत से लोग हैं संगठन में इस तरह से कि हम युद्ध के लिए आगे जाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी नौबत आई तो हम आगे जाने के लिए तैयार हैं। एक बार सफाया करते हैं काम समाप्त। पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? पाकिस्तान को भी ये कड़ा संदेश है कि आप बहुत हो गई आनाकानी, बहुत हो गई मनमानी, अब सुधर जाए, समय रहते सुधर जाए, वरना आर्मी के साथ जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जो भी समाज साथ जाने के पूरा देश तैयार बैठा है पिल पड़ने के लिए। अगर एक साथ अगर हम चढ़ बैठे तो पाकिस्तान का उस दिन सफाया हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हमारे जो श्रद्धालु भगवान भोले के जो भक्त थे उन पर जो आतंकवादी हमला किया गया है वो कायराना पूर्ण है और मैं यही कहना चाहता हूँ उन देशद्रोहियों से और उन आतंकवादियों से, मेरा खुला मैसेज है कि अब भारत का कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा, जिन आदतों से सुधर जाए। मैं मोदी से समन निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हम युवाओं का आक्रोश इतना है कि अब सहा नहीं जाता है। हम बस एक निर्णय के आपके आदेश का पालन करना चाहते हैं। आपका एक आदेश मिल जाए हमें, हम पाकिस्तान को और आतंकवादियों को जमीन में मिट्टी मिला देंगे सालों को। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देव शर्मा।